आज के इस वीडियो में मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे यहाँ पे चैलेंज किया कि मुझे काली माता के इस वाले इमेज को ड्रॉ करना है, तो उनका चैलेंज यहाँ पे मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो चलो ड्राइंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अपने सारे कलर्स को कलेक्ट करूंगा। सो ये कुछ कलर्स हैं एंड अभी मुझे इनमें से भी सेलेक्ट करना है जो कलर यूज़ करना है। तो यहाँ पे अभी पहले तो मैं अपने सारे मटेरियल्स यहाँ पे कलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये कुछ मेरे पे मटेरियल्स हैं एंड अभी मैं सोच रहा हूँ इस ड्राइंग को करने के लिए सॉफ्ट पेस्टल का यूज़ करूँ। तो यहाँ पे मैं सॉफ्ट पेस्टल भी निकाल चुका हूँ एंड अभी मैं अपना खुद का ट्यूटोरियल देखूंगा सबसे पहले कि सॉफ्ट पेस्टल एंड कलर पेंसिल को मैं कैसे यूज़ करता था। सो यहाँ पे कुछ इस तरीके से पहले तो मुझे कलर पेंसिल का यूज़ करना है, देन उसके बाद सॉफ्ट पेस्टल का यूज़ करना है। तो चलो आप ड्राइंग करना स्टार्ट करते हैं। A few minutes later. तो जैसे कि अभी आप लोगों ने ट्यूटोरियल में देखा, सबसे पहले हमें यहाँ पे पेंसिल कलर का यूज़ करना है, उसके बाद हम लोग सॉफ्ट पेस्टल का यूज़ करेंगे। तो ऐसे मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पेंसिल कलर अगर आप लोग पहले यूज़ करते हो तब आप लोग सॉफ्ट पेस्टल का इजीली यूज़ कर सकते हो, या अगर आप लोग पहले सॉफ्ट पेस्टल का यूज़ करते हो उसके ऊपर से पेंसिल कलर बिल्कुल भी चलता नहीं है, तो ये चीज़ आप लोग ट्राई भी कर सकते हो खुद से। सो आई होप आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखोगे। जो भी इस वीडियो को लास्ट तक देखे हो कमेंट में रेड हार्ट जरूर कमेंट करना। सो आगे मैं म्यूजिक का वॉल्यूम इंक्रीज कर देता हूँ। सारे कलर वाले पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, अभी कुछ इस तरह का लग रहा है एंड अभी काफी रियलिस्टिक लग रहा है। अभी सॉफ्ट पेस्टल का यूज बाकी है, तो अभी सॉफ्ट पेस्टल का यूज करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये वाला मैं सॉफ्ट पेस्टल यूज कर रहा हूँ जो कि कैमलिन कंपनी का है, और अभी मैं इसको मतलब काफी अच्छे से यूज करने वाला हूँ। ये फैलता काफी ज्यादा है तो आपको इसको संभाल के यूज करना होगा। तो यहाँ पे जो भी मुझे यूज करने अभी कलर्स उनको मैं यहाँ पे पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे बस ये चार कलर सेलेक्ट मतलब यूज करने हैं मतलब इस ड्राइंग पे। तो अब मैं इन बाकी कलर्स को रख देता हूँ एंड अभी वन बाय वन करके मैं इन कलर का यूज़ करूँगा। सबसे पहले यहाँ पे रेड कलर का यूज़ कर रहा हूँ मैं, एंड इस कलर को यूज़ करने का भी ट्रिक है, मतलब इसको मतलब काफ़ी अच्छे से आपको यूज़ करना है एंड लाइटली यूज़ करना है आपको, मतलब काफ़ी ईजिली ब्लेंड हो जाता है, बिल्कुल चौक की तरह होता है ये। तो अभी मैं इसको फिंगर से ब्लेंड कर रहा हूँ एंड आप लोग भी फिंगर से ब्लेंड करना, मतलब कॉटन बर्ड इस पर सही से वर्क नहीं करता तो आप लोग फिंगर का यूज़ करना, फिंगर से आप लोग काफ़ी अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हो, मतलब फिंगर से जो है आपके कंट्रोल में रहेगा मतलब इसको ब्लेंड करना। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट टिप, जब तक आप लोग का ड्राइंग रियलिस्टिक ना बन जाए तब तक आप लोग को इस पे लेयरिंग करते रहना है, जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। मतलब जब तक मुझे अच्छे से लगेगा नहीं कि ड्राइंग रियलिस्टिक बन चुका है तब तक मैं इसमें लेयरिंग करते रहूँगा। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो मैं लास्ट में इसमें पेंसिल कलर से थोड़ा बहुत डिटेलिंग भी कर रहा हूँ, तो आप लोग इसी तरीके से ड्रॉ करना। तेरी जोत जगे दिन रात।
चैनल पे हमारा ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है। जितने भी लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देना, एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड अभी आप लोग सिनेमेटिक शॉट को एंजॉय करो। कहते हैं तेरे दिल में नदियां ममता की है बहती।